श्रीमान सरयू राय जी और श्रीमान अमित यादव जी, ये दोनों हमारे साथ हैं। मतलब 30 का आंकड़ा पूरी तरह से हमारे साथ इंटैक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे कम से कम दो लोग और हमारे साथ रहेंगे, तो हम कम से कम 32 वोटों के साथ दीपक प्रकाशी को राज्यसभा में। कल आप लोगों ने जिस तरह से मामला बढ़ा कि क्वारंटाइन कर दिया है, कैद कर दिया, अपने लोगों को भरोसा नहीं है आपके अपने सत्ता पक्ष बोल रहा है, खुद भरोसा? देखिए, झारखंड के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी दल ने अपने विधायकों को लेकर कहीं एक स्थान पर एकत्रित किया हो बिठाया। अधिकांश हमारी सरकार थी यहाँ और हमने कभी ऐसा करने को मजबूर किसी को नहीं किया। आखिर ऐसा पहली बार क्यों हुआ? हमें इस वक्त इस बात की सूचना मिली, अंदेशा हुई कि सत्ताधारी दल अपने अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए हमारे विधायकों को डराने धमकाने का काम शुरू किया, और उनकी योजना थी कम से कम आधे दर्जन विधायक को गायब करा दिए जाए, तभी जाकर हम लोगों ने रणनीति बनाई कि एक जगह हम इकट्ठे होंगे और अपने जो हमारे जो विधायक हैं, कई ऐसे विधायक हैं ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, सीधे सरल लोग हैं, अब सत्ता के नशे में चूर होकर ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, कैसे भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखी और आशंका भी व्यक्त की कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, हमारे एक एक विधायक सुरक्षित रहे, आके मतदान करें ताकि लोकतंत्र की विजय हो। क्या है आंकड़ा एक बार फिर से बता दीजिए? कम से कम 30 हमारे सुनिश्चित है, दो और लोग हो सकता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ मतदान करेंगे, हमारे साथ हैं। 32 आंकड़ा श्रीमान सरयू राय जी और श्रीमान अमित यादव जी, ये दोनों हमारे साथ हैं। मतलब 30 का आंकड़ा पूरी तरह से हमारे साथ इंटैक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे कम से कम दो लोग और हमारे साथ रहेंगे, तो हम कम से कम 32 वोटों के साथ दीपक प्रकाशी को राज्यसभा में। कल आप लोगों ने जिस तरह से मामला बढ़ा कि क्वारंटाइन कर दिया है, कैद कर दिया, अपने लोगों को भरोसा नहीं है आपके अपने सत्ता पक्ष बोल रहा है, खुद भरोसा? देखिए, झारखंड के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी दल ने अपने विधायकों को लेकर कहीं एक स्थान पर एकत्रित किया हो बिठाया। अधिकांश हमारी सरकार थी यहाँ और हमने कभी ऐसा करने को मजबूर किसी को नहीं किया। आखिर ऐसा पहली बार क्यों हुआ? हमें इस वक्त इस बात की सूचना मिली, अंदेशा हुई कि सत्ताधारी दल अपने अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए हमारे विधायकों को डराने धमकाने का काम शुरू किया, और उनकी योजना थी कम से कम आधे दर्जन विधायक को गायब करा दिए जाए, तभी जाकर हम लोगों ने रणनीति बनाई कि एक जगह हम इकट्ठे होंगे और अपने जो हमारे जो विधायक हैं, कई ऐसे विधायक हैं ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, सीधे सरल लोग हैं, अब सत्ता के नशे में चूर होकर ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, कैसे भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखी और आशंका भी व्यक्त की कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो, हमारे एक एक विधायक सुरक्षित रहे, आके मतदान करें ताकि लोकतंत्र की विजय हो। क्या है आंकड़ा एक बार फिर से बता दीजिए? कम से कम 30 हमारे सुनिश्चित है, दो और लोग हो सकता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ मतदान करेंगे, हमारे साथ हैं। 32 आंकड़ा।